लेकर के और जिंदगी के अंतिम दौरे तक बजरंगी के वो नाम लेना कभी मत भूलना जिसका वर्णन भगवान वेद व्यास ने अध्यात्म रामायण में किया। ना पता हो तो मैं आपको निवेदन कर दूं, हनुमान जी के बारे नाम कहाँ मिलते हैं? भगवान व्यास ने एक रामायण लिखी है जिसका नाम है अध्यात्म रामायण, और हनुमान जी के बारे नामों का जिक्र भगवान वेद व्यास ने अध्यात्म रामायण में किया है, जिनको रोज ही उच्चारण करने की आवश्यकता है। रोज यह है पवित्र नाम लीजिए, एक भी दिन मन चुकिए, आनंद हो जाएगा। ऐसे बजरंगबली हनुमान जी हैं जिनका प्रभाव चारों युगों में, हनुमान जी का प्रभाव आज से नहीं है, चारों युगों में। हनुमान अंजनी सुनुर्वायु पुत्र महाबल रामेष्ट फाल गुण सखा पिंगाक्षो अमित विक्रम उदधि क्रमण शैव सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता च दश ग्रीव शदर्प एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वप्न काले प्रबोधे च यात्रा काले च पठेत तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत राजद्वारे गहे वरे च भयं नास्ति कदाचन। इन बारह नामों को लेने से राजा का भय नहीं होता, नहीं तो राजाओं का झंडा ना लगाओ, उनकी बात ना मानो तो बड़ा परेशान करते हैं। ये बारह नामों को लेने से राजद्वार का भय नहीं रहता, भूत प्रेतों का भय नहीं रहता, गलत स्वप्न नहीं आते, यात्रा में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। ये बारह नाम इतने अद्भुत हैं। पहला नाम है हनुमान। हनुमान वो हनुमान है जिन्होंने अपने मान का भी हनन कर दिया। हनुमान जहाँ वज्र फेंका गया इंद्र के द्वारा और जिनकी ठोड़ी के ऊपर वज्र गिरा, हनु टेढ़ी हो गई, इसलिए उन हनुमाने ठोड़ी टेढ़ी हो गई, नाम हनुमान जी हुआ। और इस हनुमान शब्द को राम ने अपने मुख से वर्णित किया गया है राम जी के द्वारा। गोस्वामी जी ने लिखा बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। दूसरा नाम है, पहला नाम है हनुमान। बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। हनुमान बड़े भाग्यशाली हैं जिनको भगवान श्री राम जी के चरणों की सेवा मिली है। हमारे मुख से हनुमान जी का नाम हनुमंत लाल जी की कृपा से ही निकल रहा है। आज सब प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का दर्शन कीजिएगा। हनुमान सब काम कर देंगे, दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। बजरंगी तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु राम के हृदय में जगह बनाई है और हनुमान जी के हृदय में भगवान राम ने स्थान पाया है। प्रणव हूँ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बस ही राम सर चाप दर। मैं संक्षेप में थोड़ी हनुमान जी की बात सुनाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ साम वेद की ऋचाओं का भी निवेदन। तो अगला नाम है लक्ष्मण प्राणदाता। जिस समय मेघनाद खन्नाद के द्वारा शक्ति लगी तो वहाँ बंदर भालू तो बहुत थे, लेकिन लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले हनुमान है। वही हनुमान है जो अपने वैराग्य को सुरक्षित रखे। वैराग्य का मतलब देने की भावना, जिनकी देने की भावना सुरक्षित है। कंजूस मत बनिए, उदार बनिए, वैराग्य की रक्षा कीजिए। जो वैराग्य को बचावेगा वह बजरंगबली हनुमान। हनुमान है वो, हनुमान है तो लक्ष्मण प्राणदाता। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो बंदर भालू वहां बहुत बैठे हुए थे, राम जी रो रहे थे, और ऐसे लोगों के लिए भगवान रोता है जो राम की सेवा के ही लिए पैदा हुए। लक्ष्मण ने पूरा जीवन प्रभु श्री राम जी की सेवा में ही तो समर्पित कर दिया, ऐसा जीवन जीने की जरूरत है। तो राम की आंख में आंसू थे, सभी बंदर भालुओं को राम जी ने पूछा, जब सुखेन वैद ने कहा था यदि सूर्य उदय तो होने से पहले संजीवनी आ जावे तो तुम्हारे भ्राता के प्राण बच जाएंगे। सूर्य उदय से होने से पहले संजीवनी। हनुमान जी बैठे ही थे, जमीन कुरेद रहे थे। राम जी ने सबको पूछा, किसी ने कहा 10 महीने में आएंगे, किसी ने कहा 6 महीने में आएंगे, किसी ने कहा 3 महीने में आएंगे, इससे तो नीचे किसी का पारा ही नहीं आया। तब हनुमान जी की तरफ राम जी ने देखा और कहा पुत्र हनुमान संजीवनी क्या तुम ले आओगे? हनुमान की आंखें सजल हो गईं। हनुमान जी ने कहा भगवान मैं तो क्या, जिसके ऊपर आप हाथ रखने वही ले आएगा, जिसके ऊपर आपका हाथ होगा संजीवनी वही ले आएगा। कितने निराभिमानी हनुमान है। हनुमान कहना चाहते हैं तुम खुद करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, अहंकार को तोड़कर भगवान के भरोसे यदि कुछ करोगे तो हर कार्य में तुम्हें सफलता मिल जाएगी। हनुमान जी ने कहा भगवान जिससे आप ये काम कराना चाहेंगे ये वही कर देगा।
प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को यश देना चाहते, नहीं तो संजीवनी की कोई जरूरत ही कहाँ पड़ती। हनुमान तो भगवान राम तो साक्षात परमात्मा है, और ईश्वर तो वो है, छह चीजें जिसके हाथ में, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, छह चीजें उसके हाथ में, लोगों के प्राण लोगों की मृत्यु सब तो उसके हाथ में, उसको क्या जरूरत थी। लेकिन वो हनुमान का कद बढ़ाना चाहते हैं, बजरंगी का वो यश बढ़ाना चाहते हैं। हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए और भगवान राम ने पूछा, हनुमान कितना समय लगेगा तुम्हें संजीवनी लाने में, क्या सूर्य उदय से पहले ले आओगे क्या तुम संजीवनी। हनुमान रो करके सजल आंखों में आंसू थे, कहा भगवान आपने पूछा है कि कितना समय लगेगा, तो मैं आपकी कृपा से ही बोल रहा हूँ। वो कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, चढ़ा हुआ भट्टी पर कढ़ाया, उसमें डाला गया सरसों का तेल, जब वो खौलता है तो खौलते हुए तेल में डाला गया राई का दाना, प्रभु आपके चरणों की सौगंध राई के दाने को चटकने में देर लग सकती है, आपके पुत्र हनुमान को संजीवनी लाने में इतनी भी देर नहीं लगेगी, ये आपके चरणों का प्रताप है। आ गए हनुमान, और जिस समय राम जी बहुत विलाप कर रहे थे उस समय बजरंगबली हनुमंत लाल जी संजीवनी लेकर के आए, और जब हनुमान संजीवनी लेकर के आए हैं, लक्ष्मण के प्राण बचे हैं, तब हनुमान जी का एक नाम हुआ है लक्ष्मण प्राणदाता। जैसे हनुमान जी लक्ष्मण के प्राण बचाते हैं, जो हनुमान के शरण में आएगा हनुमान सबके प्राणों की रक्षा करे। राम जी ने वरदान दिया है, जो मेरे पुत्र हनुमान का भगत होगा काल भी उसके प्राण नहीं ले पाएगा, समय से पहले उसकी मृत्यु नहीं होगी, समय से पहले वो दुनिया छोड़ के नहीं जाएगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। बजरंग बली की शरण में जो आएगा, इस कलयुग में हनुमान बड़े प्रत्यक्ष देव हैं और बहुत जल्दी राजी हो जाने वाले देव हैं, इसलिए मैं समग्र समाज को, किसी भी धर्म पंथ से आप क्यों ना जुड़े हैं, बजरंग बली हनुमंत लाल जी के प्रति श्रद्धा सबके अंदर हो। एक पीपल का पत्ता आज मुख में डालना, एक पीपल का पत्ता हाथों से घिसना, हाथों से घिसोगे पीपल का पत्ता, ऊर्जा बढ़ेगी, और आप एक पत्ता मुंह में चबाओगे, आज हनुमान जी की हनुमान जयंती है, आप निरोगी रहेंगे। ये बातें आपको सुनाने के लिए नहीं है, एक पीपल का पत्ता मैं भी खा के आया हूँ, एक पीपल का पत्ता मैं भी हाथों से घिस करके आया हूँ, यदि हो सके तो आप भी करना, आप ऊर्जा मिलेगी, आप निरोगी रहेंगे। ये नहीं कि बातें सिर्फ आपको बताने के लिए, मैं आपको बता बाद में रहा हूँ, पहले ये करके आया हूँ। बात आ रही है समझ में, लक्ष्मण प्राणदाता। रावण के पुत्र इंद्रजीत की शक्ति निष्फल हो गई, तो हनुमान जी ने प्राण बचा लिए, हनुमान जी का नाम हुआ लक्ष्मण प्राणदाता। ऐसे बजरंगी के चरणों में हम और आप सब वंदन और प्रणाम करते हैं। तीसरा नाम है दशक ग्रीव दर्पहा, और जब उन्होंने उसका अभिमान चूर चूर कर दिया, हनुमान जी को उसके अनुयायी लोग बांध करके ले गए, ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सरमान हूँ तो महिमा मिटई अपार। उन्होंने यज्ञोपवीत की मर्यादा का उन्होंने पालन किया, नहीं तो उनके लिए सब तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, उनका ब्रह्मा की मर्यादा समाप्त हो जाएगी, और वो बंदी हो गए, हनुमान जी मेघनाथ के द्वारा बंदी हो गए। और जब उनको दशानंद के सामने खड़ा किया, रावण ने पूछा इन सब को क्यों मारा, हनुमान जी ने कहा जे मोहि मारे तेह में मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको ही मारा है, मैंने अपनी तरफ से कोई प्रहार किया नहीं है। तब विभीषण 22 समय पर विभीषण आए और उन्होंने कहा पूछहीन बानर तह जाइए, जब ये बिना पूछ के जाएगा तब ये अपने नाथ को लेके आ जाएगा, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जावे। और हनुमंत लाल जी की पूंछ पर जब आग लगाई गई, पूंछ इतनी बड़ी कि ट्रैफिक में भी नहीं रुकी, पूंछ गई अमर आकाश में, राहान नगर बसन घर तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी की पूंछ अमर आकाश में बड़ी, एक चम्मच घी तेल नहीं रहा लंका में, हनुमान जी ने इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया, उलट पलट लंका सब जारी, हनुमान जी ने इधर घूम कर उधर घूम करके पूरी लंका को जला करके राख किया, और वहां के लंका के निवासी क्या कहने लगे, हम जो कहा यह कपि नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। गोस्वामी जी लिखते हैं साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहिन नगर अनाथ, तुमने एक देव का अपराध किया, अपमान किया, तो उसके तो परिणाम यही होने वाले थे। उस समय हनुमान जी ने रावण के घमंड को चूर चूर किया, और उस समय
बजरंग बली हनुमंत लाल जी का एक और नाम हुआ दशग्री, दशग्री दर्पहा, यानी उसके दर्प अभिमान को, उसके घमंड को तोड़ा, इसलिए हनुमान जी का ये नाम हुआ। हनुमान जी का चौथा नाम है रामिष्ट, राम ही जिसके इष्ट हैं। जीवन में चार चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जीवन में एक मंत्र चाहिए, एक संत चाहिए, जीवन में संत चाहिए, मंत्र चाहिए, जिंदगी में ग्रंथ भी चाहिए। ग्रंथों से स्नेह प्रेम कीजिए। जितना ये तीनों का होना जरूरी है, उतना ही जीवन में एक भगवंत चाहिए। किसी भी देवता को आप ज़्यादा खासम खास माने, जिसके ऊपर आपको इतना विश्वास हो, इतना भरोसा हो, तो जिंदगी में एक इष्ट की जरूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी वृंदावन में आए। जिस मंदिर में वह जाते हैं, उस मंदिर में उन्हें वेणु वाला, बांसुरी वाला दिखाई देता है, तो वो क्या कहने लगे तुलसीदास जी के, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लेउहा। कहते हैं वह मुझे हर मंदिर में बांसुरी वाला दिखाई देता है, लेकिन मैं तो इन मंदिरों में धनुष वाले अपने राम को खोजने के लिए जा रहा हूँ। हे मेरे इष्ट देव, मुझे दर्शन दीजिए। तो कित मुरली कित चंद्र का, कित गोपियन को बास, अपने जन के कार जे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। ये है इष्ट के प्रति प्रेम। भगवान श्री कृष्ण तत्काल राम बन गए, बांसुरी को छिपका लिया और धनुष बाण हाथ में लेकर के। और आज भी वो वृंदावन में वो मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं, वह तुलसी के राम बन के तैयार हुए। इष्ट के प्रति जब श्रद्धा होती है तो हम किसी भी देवता का दर्शन करते हैं, उसमें भी हमें अपने इष्ट का ही दर्शन होता है। आप में बहुत लोग मुझे ऐसे भी सुन रहे होंगे जिनका तो कोई इष्ट है ही नहीं, और इष्ट के मामले में कुछ जानते ही नहीं है। देखिए, एक पत्नी जाती है ससुराल में, वो विशेष रूप से तो पति के लिए ही होती है, सबकी सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है। हम भी सभी मंदिरों में जाएं, सब देवताओं को प्रणाम करें। जैसे एक नारी का विशेष संबंध अपने पति से ही होता है, यों तो लोग सभी महात्माओं का आदर करते हैं, मान करते हैं, लेकिन जो स्थान अपने गुरु के लिए होता है वो बात कहीं दूसरी जगह नहीं हो पाती है। श्रद्धा से सबको प्रणाम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो स्थान गुरु के लिए होता है, जो जगह गुरु के लिए होती है, वो होती नहीं कहीं। और जितना गुरु चरणों में मन लगता है उतना लगता भी नहीं है कहीं। गुरु की तो बात ही कुछ अलग होती है, जहाँ पूरा जीवन बदल जाता है, काया बदल जाती है, जहाँ दृष्टि बदल जाती है, चाल ढाल बदल जाती है, जहाँ वाणी और पानी भी बदल जाता है। और वो ऐसी गुरु की बड़ी अद्भुत कृपा है। जो स्नेह प्रेम एक गुरु के साथ होता है, उसको तो तौला ही नहीं जा सकता। तीर्थ किए फल एक है, संत मिले फल चार। तीर्थ में जाते हैं तो आपको एक गुना फल मिलता है, सुनिए, तीर्थ में आप जाते हैं तो एक गुना फल मिलता है। संतों से मिलने के लिए जाते हैं तो चार गुना फल मिलता है, लेकिन अपने गुरु से मिलने के लिए जाते हो तो हजार गुना फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। तीर्थ का एक गुना फल, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अकेले जाओगे तीर्थ में तो एक गुना फल, किसी संत के साथ जाओगे तीर्थ में तो चार गुना फल, और अपने गुरुदेव के साथ तीर्थ में जाओगे तो हजार गुना फल होगा, उसमें कोई संशय वाली बात। गुरु की सत्ता एक बहुत बड़ी सत्ता है, भगवान की सत्ता। और मैं निवेदन करूंगा, जिस महात्मा को आप हृदय से मानते हैं, जिससे आपका जीवन मिला बदला है, उसका स्थान फिर गुरु की तरह ही होता है। फिर उसका संग करने से, उसके साथ जाने से चार गुना फल नहीं है, हजार गुना फल है। मैं तो साधारण साधुओं की, जो चलते फिरते दर्शन हो जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, चार गुना फल मिलता है। लेकिन भले ही उनसे तुमने मंत्र दीक्षा नहीं ली है, उनके प्रति गुरु जैसी आपकी श्रद्धा आस्था है, तो ऐसे गुरुजनों का सानिध्य पा करके किए गए सत्कर्म का हजार गुना ही फल होता है, जिनके द्वारा हमारा आपका जीवन बदला। ऐसे इस देश में बहुत संत हैं, बहुत साधु हैं, जिनके प्रति मेरी बड़ी अपार श्रद्धा है। अपने गुरुदेव के प्रति तो है ही, लेकिन और भी ऐसे बहुत साधु हैं जिनका सानिध्य पा करके हमें हमारा जीवन बदला है।
इष्ट की कृपा बड़ी अद्भुत कृपा है, बड़ी विशेष कृपा है। इष्ट के प्रति कितना प्रेम हो ये तो कोई तुलसी से सीख, बाबा तुलसीदास से। तो आज हनुमान जयंती पर मैं आप सभी देशवासियों को, सनातनी लोगों को निवेदन करना चाहूँगा, जीवन में संत को भी स्वीकार करो, ग्रंथ को भी स्वीकार करो, मंत्र को भी स्वीकार करो और भगवंत भगवान को भी स्वीकार। कोई एक इष्ट स्वीकार किया जो आपको अच्छा लगे, कृष्ण बहुत अच्छे हैं, राम बहुत अच्छे हैं, दुर्गा माई बहुत अच्छी है, गणेश जी बहुत अच्छे हैं, महादेव बाबा बहुत अच्छे, जिनमें से आपको जो अच्छा लगे एक इष्ट का तो चुनाव किया। आंख बंद कर लें और आपके माथे में सबसे पहले जो देवता आ जाए वही तुम्हारा इष्ट है। सबसे पहले आपके दिमाग में जो गूंज जाए उसे इष्ट के रूप में स्वीकार कीजिए। इन देवों के द्वारा ही जीवन अद्भुत होता है, इनके बिना कुछ भी नहीं। पूरी जिंदगी की संपदा दे दी जाए, जीवन में भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भागवत में एक ऐसी तो कथा आती है, पूरी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी गई, बलराम काल जिसका सामना ना कर पाए वो भी दुर्योधन को दे दिया गया, वो युद्ध नहीं जीत पाया क्योंकि उसके पास कृष्ण नहीं थे। इसलिए जिनके पास भगवान होंगे दुनिया का कुछ भी ना हो तो भी सब कुछ उसके पास होगा, जिसके पास भगवान है उसको क्या चाहिए। इसलिए तो कह दिया था अर्जुन ने, कहा भगवान नारायणी सेना पा करके विजय भी प्राप्त कर लूंगा तो मेरे लिए पराजय होगी, और आपको पा करके यदि मेरी पराजय भी हो जाएगी तो वो मेरे लिए विजय होगी। मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे द्वारका के श्री कृष्ण चाहिए। आप सभी देशवासियों को आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, अपने गुरुओं से, संतों से, अपने भगवान से, अपने मंत्र से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपनों से खूब प्रेम कीजिए, खूब स्नेह कीजिए। मुट्ठी भर जिंदगी कुछ भी नहीं है, सबको जाना होगा। बस यही है कि किसी का स्टेशन 1 घंटे पहले आ रहा है, किसी का स्टेशन 4 घंटे के बाद आने वाला है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जिसने टिकट लिया और हमेशा के लिए वो रेल में बैठा ही है, नहीं। साफ सफाई वाले आएंगे और कहेंगे निकल यहाँ से, टाइम पूरा हो गया, निकलेगा नहीं तो उसको खदेड़ करके बाहर डाल दें। जैसे रेल में आपने टिकट लिया है तो कुछ समय के लिए यात्रा करने के ही लिए वो साधन आपको मिला है। इस मृत्यु लोक में ये शरीर का जो डिब्बा मिला है वो कुछ समय के लिए मिला है। अरे मन मुसाफिर, निकलना ही होगा, काया का घर खाली करना ही होगा। हमसे पूर्व वाले चले गए तो हम फिर तुम यहाँ कहाँ रहने वाले हैं, इस बात को मत भूलिए। आज आप यौवनतायब के पास 40, 45, 50, 55 के हैं इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे बात समझ में आ जाएगी और फिर यह लगेगा कि सच में भगवान के अलावा हमारा कोई भी नहीं है, सब दुनिया अपनी मस्ती में जी रही है। कल मुंबई से मेरे पास एक माता जी आई थी, बोले महाराज जी हम तो इसलिए आ गए हैं कि कुरुक्षेत्र में आपने कहा था बच्चों की शादी शुदियाँ हो गई हैं, अब घर में रह करके क्यों बोर हो रहे हो, वृंदावन में आ जाइए बेबोर होने के लिए। वानप्रस्थी जीवन है, शरीर काम कर रहा है, इसको तीर्थ यात्राओं में निकालो, महापुरुषों के साथ, गुरुजनों के साथ घर में भी रहते हैं तो उसको भजन के। हम जैसे लोग इतनी मालाएं रोज जपते हैं, इतना करीबी के साथ में भगवान के प्रति इतना विश्वास किया है, तभी तो किया है कि वो है, इसलिए तो किया है कि वो है, उसके होने की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, कोटिम तक्त्वाम, करोड़ों कार्यों को करने से पहले भगवदीय कार्य कीजिए, भगवान के बनिए। आप सब दुनिया के बन जाए, भगवान के नहीं बने बिल्कुल बेकार है। आपकी नाव 10 जगह बंधी है, गाटर के ऊपर नाव बंधी है उसको आपने खोल दिया, छज्जे के ऊपर नाव बंधी है उसको तुमने छोड़ दिया, उसको गांठ को खोल दिया लेकिन एक जगह गांठ लगी रह गई है, वो नाव खूंटे पर बंधी थी। रात भर नाव डालते रहे लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ी क्योंकि नाव खूंटे पर बंधी हुई थी। इसलिए वासना की रस्सी मोह के खूंटे पर बंधी रहेगी तो जिंदगी की नाव आगे बढ़ेगी नहीं, इसलिए अब इस नौका को तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। बहुत नाव परिवार के साथ बंध ली गई है, अब इसको खोलने की जरूरत है। अपनी जिंदगी की नौका को नदी के पार करने के लिए उस किनारे पर लेकर के जाइए। इस किनारे पर संसार है और उस किनारे पर संसार को रचने वाला है, जिसने दुनिया बनाई है वो किनारे पर, उस किनारे पर बैठा हुआ है, उसके पास जाना। इसलिए कहते हैं सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, जहां विराजे राधा रानी, जहां पर तुम बैठे हो
हमारी नौका वहां तक आपके चरणों तक पहुंचे, यह कृपा आप कर दीजिए। आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। मैं फटाफट फटाफट बारह नाम आपको हनुमान जी के बता दूं, फिर सामवेद की कथा के लिए चलूंगा। तो रामेष्ट, राम ही जिनके इष्ट हैं, इसलिए हनुमान जी का नाम रामेष्ट हुआ। अगला नाम है उनका फाल्गुन सखा, अर्जुन की ध्वजा के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, इसलिए उनका नाम फाल्गुन सखा है। आप भी अपने घर पर कभी ध्वजा लगाइए, ये धर्म ध्वजा है, ऐसी भी ध्वजा लगाइए जिसके ऊपर हनुमान जी छप। ध्वजा की बड़ी महिमा है, हमारे सनातन में ध्वजा को बहुत अद्भुत माना जाता है, मंदिरों को पूरा नहीं माना जाता यदि उसके ऊपर धर्म ध्वजा नहीं लगी है। तो जो अर्जुन की ध्वजा पर जा करके बैठ गए, अर्जुन ने जिन्हें अपना मित्र बना लिया, मित्र कैसे कहते हैं, जो हमारा सहयोग करता है और बदले में कुछ लेता नहीं है, उसी को तो मित्र कहते हैं। हनुमान जी ने इतना बड़ा सहयोग किया, युद्ध जितवा दिया, लेकिन बदले में अर्जुन से कुछ भी नहीं लिया। अर्जुन की आंख में आंसू आ गए, अर्जुन ने कहा कि आज से आप हमारे मित्र हैं। हनुमान जी ने स्वीकार किया, तभी से बजरंगी का नाम हो गया फाल्गुन सखा। आने वाले समय में हनुमान जी की कथा भी होगी, हनुमंत पुराण हनुमत कथा, तब उन बातों को बहुत विस्तार से समझ लेंगे। छठवां नाम है पिंगाक्ष, जिनके नेत्र भूरे हैं, सफेद हैं, जिनकी आंखें भूरी हैं। हनुमान जी के नेत्र विलक्षण हैं, हनुमान जी के नेत्रों में बहुत शुचिता है, बहुत पवित्रता है। पिंगाक्ष का अर्थ है भूरी आंखों वाला। हनुमान जी का यह चरित्र विविध ग्रंथों में वर्णित किया गया है, उसमें हनुमान जी को भूरी आंखों वाला बताया गया, नाम पिंगाक्ष हुआ है। कालमा को पाप कहते हैं, जिसके आंखों में कभी किसी भी प्रकार का पाप नहीं है, अपराध नहीं है, पिंगाक्ष। और सातवां नाम है उनका अमित विक्रम। विक्रम का अर्थ होता है पराक्रमी, और अमित का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा। जिसका परक्रम कितना है, पराक्रम कितना है, आज तक किसी को पता नहीं लगा, इसलिए उनका नाम है एक अमित विक्रम। आठवां नाम है हनुमान जी का उदधिक्रमण। ऐसे हनुमान जी जो समुद्र को लांग गए, जब हनुमान जी ने सागर को लांगा, तब उनका नाम हुआ उदधिक्रमण। राम जी जाते हैं लंका के लिए, उन्हें सेतु की आवश्यकता होती है, हनुमान जी जाते हैं तो वो सागर को लांग गए। कैसे लांग गए? प्रभु मुद्र का मेल मुख माई, बहुत ध्यान से सुनिए, प्रभु मुद्र का मेल मुख माई, अचरज मत करना, प्रभु मुद्र का मेल मुख माई है, प्रभु मुद्र का मेल मुख माई, नहीं आती चौपाई, प्रभु मुद्र का मेल मुख माई, जलधि लांग गए, अचरज मत करना। जिसके मुख में भगवान के नाम की मुद्रका होगी, यानी जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम होगा, वो संसार रूपी समुद्र को लांग जाएगा, इसमें आश्चर्य मत कर। यह जगत को एक सिद्धांत दिया गया, भवसागर को वही लांग पाएंगे जिनकी जिह्वा पर भगवान के नाम की मुद्रका। प्रभु मुद्रका मिल मुख माई, जलधि लांग गए अचरज नाही, आश्चर्य मत करना, संसार रूपी समुद्र को वो लांग जाएंगे जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम होगा उदधिक्रमण। अगले नाम में हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका नाम उनकी माँ से जुड़ा है, नाम है अंजनी सुत। अंजनी सुत, माता अंजना ने जिस पुत्र को प्रकट किया है, जिसको जन्म दिया है, उसका नाम हुआ अंजनी सुत। बड़ा अद्भुत यह नाम है, माता अंजनी के पुत्र होने के कारण हनुमान जी का एक नाम बड़ा प्रसन्न करने वाला नाम है, वह अंजनी पुत्र। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा जरूर पढ़ा करें, दुनिया का सबसे छोटा ग्रंथ हनुमान चालीसा है, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ हनुमान चालीसा। जितने ग्रंथ हैं वो शंकर जी ने सबको श्राप दे रखा है, लेकिन जो स्थापित किला हुआ नहीं है वह है हनुमान चालीसा। 40 दिन में हनुमान चालीसा जेल में लिखा गया है हनुमान चालीसा। फतेहपुर सीकरी यूपी में एक जगह पड़ती है, बादशाह अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल खाने में डाल दिया, एक दिन में उन्होंने एक चौपाई लिखी है। जब लास्ट का दुआ लिख रहे थे, लाल देह लाली लस्यर धर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर, उसी समय अनेक बंदर प्रकट वहां हो गए। और फतेहपुर सीकरी छोड़ करके अकबर को भागना पड़ा और दिल्ली के लिए गया। गोस्वामी जी ने कहा था कि द्वारा फतेहपुर सीकरी मत आना, नहीं तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो इतना छोटा ग्रंथ और सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ जो है हनुमान चालीसा है, 40 ही चौपाइयां हैं उसमें, लेकिन हर प्रकार के बंधन से मुक्त करने वाला हनुमान। हनुमान जी के हनुमान चालीसा के विविध तरीके,
कौए के पेड़ के पास बैठ के पाठ करोगे तो उसकी फलश्रुति अलग है, चमेली के तेल की जो जला के पाठ करोगे उसकी फलश्रुति अलग है, घी का दिया जला करके पाठ करोगे उसकी फलश्रुति अपने आप में बिल्कुल बिल्कुल अलग है। तो ऐसा हनुमान चालीसा कलकाल में अपने आप में सर्व प्रकार से वो सिद्ध है, जिसमें अंजनी माता का पुत्र गोस्वामी जी ने कहा अंजन पुत्र पवन सुत नाम।